तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्गुग्रं श्रामिः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य आशीष डंगवाल और आप देख रहे हैं हमारा एसटी योगी चैनल। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2020 के राशिफल की, कि आपका जो ये मंथ है कैसा जाने वाला है आपके लिए, इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले आपको खास अपील है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, साथ में लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दर्शकों, ये जो राशि फल जिसकी शुरुआत जो है कन्या लग्न से हो रही है और कन्या लग्न का स्वामी यानी बुध पत्रिका के अंदर विराजमान है चौथे स्थान पर, यानी सुख के स्थान पर है। तो सुख के स्थान पर होना यानी कि सुख की वृद्धि होगी, क्योंकि ये बुध जो कुंडली के अंदर है गुरु के साथ में भी है, सूर्य के साथ में भी और शनि के साथ में भी है और धनु राशि का है। तो इसका जो प्रभाव रहेगा थोड़ा मिक्स रहेगा, अच्छा भी है थोड़ा सा बुरा भी है। तो कहते हैं बुध का कोई अपना फल नहीं होता है, जो फल होता है दूसरे ग्रह के साथ में चल के ही वो अपना फल दिखाता है। तो यहाँ बात करते हैं तो लग्न भी कुंडली का हमारा जो है ठीक है, अच्छा है, मजबूत है। चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा छठे स्थान पर जो है और वो भी जो है कुंभ राशि का है यानी शनि की राशि का है। तो शनि कर्मों का फल देने वाला ग्रह कुंडली के अंदर, मेहनत ज़्यादा करवाएगा, थोड़ा कॉम्पिटिशन भी थोड़ा सा रहने वाला है अधिक इसमें। अगर इसमें सभी राशियों वालों के लिए है उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव हर किसी के ऊपर अलग तरीके से रहेगा। अगर बात करते हैं इसमें हम जो हैं शुक्र की, शुक्र जो कुंडली के अंदर है वो आपके पाँचवें स्थान पर इस समय रहेगा जो लग्न पत्रिका के हिसाब से है। तो फिफ्थ हाउस जो होता है कुंडली के अंदर वो होता है विद्या का और हमारी मान सम्मान को बढ़ाने वाला। तो मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी इसमें, साथ साथ में जो है पराक्रम में मंगल बैठा हुआ है। तो इस साल का जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जो कि विशेष करके देखा जाए कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए है चाहे हमारे जॉब के लिए क्यों ना हो, उसमें हमें जो है काफ़ी अच्छी सफलता इसमें प्राप्त होती चली जाएगी। तो अभी पूरा अगर हम इसमें देखें तो ये जो पूरा मंथ का जो हमारा रहने वाला है एक महीने के लिए, इस मंथ में जो है काफ़ी प्रोग्रेस पर ही हम बात कह सकते हैं कि हाँ इसमें आपको प्रोग्रेस अच्छी मिलेगी, लेकिन मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसमें रहने वाली है। मकर राशि, राशि का स्वामी शनि पत्रिका के अंदर अपने से 12वें स्थान पर यानी कुंडली के अंदर देखा जाए तो ये सूर्य के साथ में भी है, मतलब पंच ग्रहों का योग जो कुंडली के अंदर बना हुआ है, ये थोड़ा आपके हेल्थ के पर्पज़ से थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। विशेष करके कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन लेने में जो है आपको जो है उलझनें पैदा होंगी, मानसिक रोग थोड़ा इसमें ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ साथ में जो है ये आपके हेल्थ में आपको सर्दी के जो रोग होते हैं, ठंड के जो होते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें थोड़ा सा इसमें रह सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसमें जो है आपका खान पान के कारण भी आपको प्रॉब्लम बहुत अधिक होंगी। इसके साथ में बात करते हैं शिक्षा के लिए, पढ़ाई के मामले में ठीक है, पढ़ाई पर आपका विशेष अच्छा मन रहेगा, परंतु थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से पढ़ाई में भी अड़चनें आ सकती हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इस समय पर विशेष ध्यान रखें अपनी हेल्थ के लिए, हेल्थ में ध्यान रखेंगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी और आगे आने वाले स्वास्थ्य में भी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बात करते हैं करियर के लिए, तो करियर का स्वामी बनता है आपका शुक्र जो कि इस समय पे आपकी ही राशि में विराजमान भी है, बहुत अच्छा है, करियर के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो है ये आपके व्यापार के लिए भी अच्छा है, व्यापार में भी अगर आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके रास्ते खुलेंगे इसमें। और अगर इस समय जो है आप कुछ गारमेंट से रिलेटेड कुछ कपड़ों से जुड़ा हुआ कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी, फैशन से जुड़ा हुआ कार्य आपको बहुत अच्छा इसमें सफलता दिलाने में आपको सहयोग करेगा। इसके साथ साथ में जो है अगर बात करते हैं धन के लिए, धन में शुरुआत में जो है थोड़ा दिक्कत होगी परंतु 24 जनवरी के बाद धन की स्थिति भी आपकी अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं प्रेम संबंधों के लिए, तो प्रेम कारक ग्रह कुंडली के अंदर चंद्रमा जो कि विराजमान है आपकी पत्रिका के अंदर आपके दूसरे स्थान पर वाणी के स्थान पर है, वैसे तो ये काफ़ी अच्छा है कि चंद्रमा का वाणी में स्थान पर होना, वाणी में काफ़ी मधुरता रहती है, अपनी वाणी से आप जो है सबको अपना प्रभावित कर सकते हैं। विशेषकर प्रेम संबंधों में जो भी तालमेल से ये काफ़ी समय से जो दिक्कतें आ रही थी उन तालमेल को अच्छा बिठाने के लिए ये वाला समय काफ़ी अच्छा है, जिसका असर आपके जो है प्रेम संबंधों के साथ साथ में आपके विवाहित जीवन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का भरपूर अच्छा सपोर्ट इसमें मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा उनका गड़बड़ रह सकता है, हेल्थ में थोड़ा दिक्कतें रह सकती हैं इसमें। विवाह के योग भी इसमें खुलेंगे, विवाह का योग भी इसी मंथ में ही काफ़ी अच्छा शुरुआत हो रही है। विशेष करके देखा जाए तो 24 जनवरी के बाद स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं,
परिवारजनों का इसमें काफ़ी अच्छा आपको जो है समर्थन प्राप्त होगा, सपोर्ट मिलेगा। विशेषकर यहाँ पे देखा जाए माता के साथ में जो आपके संबंध हैं वो तो आपके काफ़ी अच्छे मधुर बनने वाले हैं, उसमें जो है काफ़ी मधुरता आएगी। जो काफ़ी समय से थोड़ा दिक्कतें भी चल रही थी वो दिक्कतें इसमें दूर होंगी। तो परिवार के लिए जो सदस्यों में है उनके साथ में जो मधुरता है वो अच्छी बनी रहेगी। दर्शकों, ये बात थी मासिक राशि फल की। अब बात करते हैं इस मंथ में पड़ने वाले त्योहारों की यानी पर्वों की। तो हमारा पहला पर्व यानी जो पड़ रहा है वह है मकर संक्रांति। ये आएगा 15 जनवरी को, वैसे तो ये 14 तारीख को आता है पर इस बार ये 15 तारीख को आ रहे हैं मकर संक्रांति। मकर राशि में यानी कि सूर्य का प्रभाव होना, सूर्य की संक्रांति होना, तो यहाँ से जो है सूर्य उत्तरायण में जाता है और उत्तरायण में जाने के बाद सूर्य का जो बल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी सूर्य जो है अपना शुभ प्रभाव अच्छा दिखाता है और कहते हैं यहाँ से जो है देवी देवताओं का जो है पूजन करने से हमें जो है ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि 6 महीने के लिए पितरों की पूजा होती है और 6 महीने के लिए देवताओं की पूजा होती है। तो यहाँ से जो है एक इसकी जो है शुरुआत अच्छी खासी शुरू हो जाती है और विशेषकर जो भी विवाह के जो योग हैं वो भी इस बारे मकर संक्रांति के बाद ही खुल जाते हैं। इसके साथ साथ में जो है इसी मंथ में जो आ रही है 30 तारीख को वह है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी में विशेष करके जो है माँ सरस्वती की पूजा होती है, विद्या की देवी है, तो इस दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा करने से हमारे जितने भी जो हैं मन के जो विकार हैं वो हमारे दूर होते हैं, विद्या का जो है प्रवेश हमारे अंदर होता है। विशेष करके जो बच्चे भी शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ फल देने वाला रहता है। तो इसलिए जो है बसंत पंचमी भी आप इसमें जो है अच्छा मनाएँ और इससे विशेष करके माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। दर्शकों, यह मासिक राशि फल सामान्य ज्योतिषीय आंकलन के द्वारा बनाया गया है। अगर आप अपनी राशि के बारे में या अपनी कुंडली के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें, मुझसे परामर्श आप ले सकते हैं।